National Highway के 60 किलोमीटर इस बंद है एशिया फाइनेस्ट एडवेंचर लेनी फिर रामोजी फिल्म सिटी Here you'll find different kinds of adventure, action, hard of course, net course, panboard, meltdown. किसी को करना है तो one half a crime. आपका left side में देखिए Central Jail. देखनी चाहिएगी? Jail में दिखाई था. बिना crime अभी हम लोग जा रहे हैं Central Jail के अंदर. This is Central Jail. मधी फोटो पण क्लिक करायचे अरे नकली सेंट्रल जेल ओके आपकी राइट साइड में देखिए ग्रे कलर बिल्डिंग टेरेना मूवी देखा है ना आप लोग ने उसमें सलमान खान का मेंटल जेल जैसे दिखाते हैं Okay, here in Central Jail, you'll find two entry and one exit. One entry for the bus. So, one entry, they will just change the number. Number. So, किसी को सांस करना है तो आप लोग का ड्रॉपिंग मिलेगा रेलवे स्टेशन से. By then, you can enjoy them. So, आपके राइट साइड में these are big shooting floors. Big shooting floors के अंदर temporary set डालके फिल्म बनाते हैं. There are total number of 10, 3 AC and 7 non-AC. पुष्प मूवी देखा है ना आप लोग ने पुष्प मूवी दृश्यम देखा है ना बाहुबली पुष्प थोड़ा तरह से यही बिग शूटिंग फ्लोर्स के अंदर सेट डाल के बनाया हुआ था जैसे कि पुष्प मूवी में वो के बनाया हुआ है बाहुबली में वाटरफॉल सीन इट वाज आल्सो सेट इनसाइड द बीएसएफ फ्लोर एंड देन शॉट So now as an example, we are moving towards Bhagavatam set. Bhagavatam set एक example रखा है BSF floor का. उसका अंदर permanent set रखा है. महाभारत रामायण देखा है ना आप लोगों ने? ऐसे ही story है अंदर ऐसे ही set रखा है like महाभारत set. It is also known as महाभारत set. Bhagavatam एक story है like drama महाभारत जैसा drama है from railway station you have to board any bus railway station बाहुबली से के लिए जा सकते हैं और किसी को साहस करना है तो साहस भी जा सकते हैं साहस के लिए भी ड्रॉपिंग मिलेगा आप लोग को साहस खत्म होने के बाद स्टूडियो टूर भी कंटिन्यू कर सकते हैं महाभारत रामायण इंसान का जीवन व्यर्थ ना जाने पाए इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की श्रीमद् भागवतम से उससे जुड़ी कुछ चित्रकियां ताकि आप भागवतम का अनुभव करके आंखें उठा सके हमारे देश में कई पौराणिक कथाएं जो आज के समाज में बिल्कुल सार्थक होती है तो आज एक बार फिर से चलते हैं उस युग में जो हमारे लिए आज भी प्रेरणादायक स्रोत है महर्षि वेद व्यास और सूर्य पीठ का श्रीमद Thank you.